अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ आबिद अली अरानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम जिस स्टोरी पे बात करेंगे वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के केस से जुड़ी है, जो गुज़श्ता रोज़ जिसकी समाअत जारी थी तो उसमें अदालत उज़्मा के फाजिल जजेस की तरफ से बहुत अहम रिमार्क्स आए और मुख्तलिफ किस्म के तजिए भी रात भर जारी रहे। उस पर हम एक मुनफरद स्टोरी पे बात करेंगे, वो ये है कि इस केस के साथ कौन से दीगर जजेस का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। अदालत उज़्मा में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो केस चल रहा है, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जज फाजल जज हैं के आगा, करीम खान आगा, उनकी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस वफाकी हुकूमत की तरफ से दायर किए गए हैं उनमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन दोनों जजेस ने अपने असासे छुपाए हैं। तो ये जो अहम केस हैं, इन इसी नौयत का केस एक इफ्तिखार जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ दायर किया गया था, फिर उसमें फ़ैसला आया और ये अपनी नौयत का उसी नौयत का दूसरा केस है जो पाकिस्तान की तारीख अदालती तारीख के अंदर जारी है और इस पर मुख्तलिफ किस्म के तबसरे भी जा रहे हैं दिए जा रहे हैं और हेयरिंग जो है वो भी बाकायदगी के साथ जारी है। तो इसमें इसके जो फैसला आएगा उससे आला अदालतों के और भी बहुत से जजेस हैं जिनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, जिनमें बहुत नामवर जज भी शामिल हैं। तो अब देखना यह है कि ये फैसला किस नौयत का आता है, क्योंकि माजी में हमने ये देखा है कि जब मुकदमात की समाअत होती रही तो उस दौरान तजिए तबसरे और लोग जो उस पर राय कायम करते रहे वो बाद में जब फैसला आया तो यकसर फैसला ऐसा सामने आता था कि लोग हैरान हो जाते थे कि ये फैसला कैसे आया। और हालांकि क्यों अदालतों ने जो भी फैसले दिए उनमें अपनी वाज़े रीजंस बताएं कि ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये फैसला दिया गया है, तो इस केस में भी एक गैर मुतवक्को फैसला आने की उम्मीद लगती है, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां जितनी भी हैं वो इनको हल अदालत उनको एड्रेस करेगी और उन पे अपनी राय देगी। तो अगर ये फैसला जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हक में आता है या मुखालफत में आता है, अगर मुखालफत में आता है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो रेफरेंस सदारती रेफरेंस हुकूमत की तरफ से भिजवाया गया उस पर अपना राय देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को राय देने से रोक देती है तो फिर इसके बहुत से असरात होंगे, फिर रेफरेंस भेजने वालों के और रेफरेंस का मवाद फराहम करने वालों के और दीगर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, ये भी एक सवालिया निशान है अभी तक, और वो अदालती फैसला आने के बाद ही सामने आएगा। तो आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो ये है कि इस रेफरेंस के इस जो केस चल रहा है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का, इससे और कौन से जजेस हैं जो आला अदलिया के जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है। तो कुछ अर्सा पहले, अभी ताज़ा की कोई ऐसी अपडेट हासिल नहीं हो सकी है हमें कि जिससे पता चले कि सुप्रीम कोर्ट में और कितने जजेस फाजिल जजेस के ख़िलाफ़ आला अदलिया के जजों के ख़िलाफ़ कितने रेफरेंस मौजूद हैं। अलबत्ता कुछ अर्सा पहले ये तादाद मालूम हुई थी कि तकरीबन 20 के करीब जो जजेस हैं के ख़िलाफ़ जो है रेफरेंसेस मुख्तलिफ नौयत के अदालतों के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मौजूद हैं। तो अभी तक उनकी निपटाए जाने के हवाले से या वो ज़ेरे इल्तवा हैं या ख़त्म हो चुके हैं वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूद हैं अदालत के अंदर और वो रिपोर्ट भी हो चुकी हैं और यकीनन हमारे जहनों में भी होंगी। कुछ जजेस के ऐसे केस हैं जो
जिन पर इस फैसले का असर होना है, और इससे उनको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा तो उसी सूरत में हो सकता है जब उनको उन्हीं ग्राउंड्स पर रिलीफ मिल जाए जो उन्होंने, जो इस केस के अंदर जो कानूनी नुकात उन्होंने उठाए हुए हैं। उनमें सबसे अहम केस जो है जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब का है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, और उनको रावलपिंडी में एक तकरीर के इल्ज़ाम पर मनसब से हटा दिया गया था। उसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उसकी समाअत इस वजह से रोक रखी है कि अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी, जब उन्होंने समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की तो अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का केस जो है वो ज़ेर समाअत है और 10 रुकनी बेंच उस पर समाअत कर रहा है, तो जल्द उसका फैसला आ जाएगा। जो कानूनी नुकात जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने उठाए हैं वही कानूनी नुकात जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के केस के अंदर ज़ेर बहस हैं, तो उसका जो फैसला आ जाएगा उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी को के केस को देखा जाएगा। तो एक जज तो जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी हैं जिनको इस केस से बराह रास्त बिलवास्ता या बिलावास्ता फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। दूसरे जज जस्टिस के आगा हैं जिनका केस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ कनेक्टेड है और ये उन्हीं केसों पे समाअत जारी है, जिसमें बार एसोसिएशंस ने भी अपनी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। तो ये तीन जज तो हमारे सामने मौजूद हैं जिनमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस के आगा शामिल हैं। तो इन तीनों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आई हैं, और इसके अलावा जस्टिस चीफ जस्टिस जो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के हैं जस्टिस शेख अहमद अली साहब, उनके ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था। अब पता नहीं है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने वो केस निपटा दिया या ताहाल मौजूद है इस हवाले से, लेकिन ऐसी कोई खबर या ऐसी कोई मालूमात नहीं मिली है कि शेख अहमद अली साहब के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस जो दायर किया गया था उस पे कोई फ़ैसला हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और कुछ सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें आई हुई थीं, उनका भी ये मालूम नहीं है कि वो रेफरेंस ख़त्म कर दिए गए हैं या उनकी दरख्वास्तें जो उनके ख़िलाफ़ हैं वो ताहाल मौजूद हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई दरख्वास्त किसी फाजल जज के ख़िलाफ़ मौजूद होती है, वो पड़ी रहती है, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो अज़ खुद जो है वो गैर मौसर होकर ख़त्म हो जाती है, तो ये रिवायत रही है। अब इसमें देखना ये है कि अदालत उज़्मा कैसा फ़ैसला देती है इस केस में। माजी में भी हमने देखा जब परवेज़ मुशर्रफ साबिका सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी केस का मुकदमा चल रहा था, तो उस वक्त जब फ़रोग नसीम दलाइल दे रहे थे तो बज़ाहिर हमें यह नज़र आ रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा, लेकिन जब फैसला आया तो उसमें जस्टिस फैसल अरब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया, बल्कि उनके साथ दीगर दो जजेस भी थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया कि इस केस में मज़ीद लोगों को भी फरीक बनाया जाए, सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ को फरीक बनाना मुनासिब नहीं है, जिससे वक्ती तौर पर वो केस डेड होकर रह गया था। और फिर तवील अरसा तक ये मश्क चलती रही, उसमें फिर जस्टिस डोगर साहब को अपील दायर करना पड़ी और इसके अलावा और लोगों को भी दरख्वास्त, मलिक कयूम साहब को भी उसमें अपील दायर करना पड़ी, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सेट असाइड किया। तो अब जो फैसला आएगा इसमें भी गैर मामूली फैसला आने की तवक्को है। इस केस में और उस केस में एक मुश्तरक बात हमें देखने में ये
आती है कि उस वक्त भी फरोग नसीम परवेज मुशरफ के वकील थे, आज हुकूमत के वकील हैं, और परवेज मुशरफ के वकील फरोग नसीम भी अदालत में मौजूद होते थे, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी भी अदालत में मौजूद उनकी मुआवनत कर रहे थे परवेज मुशरफ के केस में। तो अब भी जब समाअत हो रही होती है तो फरोग नसीम साहब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और फैसल चौधरी भी समाअत के अंदर मौजूद होते हैं, अगरचे वो एडिशनल एडवोकेट जनरल बन चुके हैं पंजाब के, तो वो कोई केस सुनने के लिए तो आते हैं लेकिन ये नहीं है कि वो किसी को असिस्ट कर रहे हैं या कोई कानूनी मुआवनत कर रहे हैं। अदालत उस्मा ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के फैसले में ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर दे रखी है कि आपने जो कानूनी सवालात उठाए हैं वही काइज़ल भी फ़ायज़ ईसा के केस में मौजूद हैं, तो उस केस के बाद हम जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस सुनेंगे। अगर ये फैसला उन्हीं ग्राउंड्स पे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हक में आता है तो इसका बहुत फ़ायदा जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को हो सकता है, और हो सकता है कि उनको जो मनसब से हटाया गया उस हवाले से कोई बड़ा इसका असर सामने आए, और जो एसेट रिकवरी यूनिट हुकूमत ने बनाया है जिसको कानूनी बैकिंग अदालत के बकौल मौजूद नहीं है तो उसके लिए भी एक बहुत अहम चैलेंज जो है वो सामने आ सकता है। नाज़रीन, ये आज की स्टोरी थी जिसमें हमने आपको बताया कि तीन जजेस तो फ़िलहाल हमारे सामने हैं, ऐसे हैं जिनको इस केस के फैसले से फ़ायदा होगा, उनमें बराह रास्त जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस के आगा और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी शामिल हैं। बाकी और जजेस को भी फ़ायदा हो सकता है और मुस्तकबिल के लिए ये एक नई नज़ीर साबित हो सकता है केसेस के लिए, और इसमें ये चीज़ भी तय हो जाएगी कि जो भी बंदा आकर अगर दरख्वास्त दे देता है तो उस पर फौरी तौर पर अगर अमल शुरू हो जाता है तो इसको कोई वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी कोई तस्दीक होनी चाहिए, उसके क्रेडेंशियल चेक होने चाहिए कि वो बंदा कौन है और किस मकसद से आया है। तो ये इन कानूनी पहलुओं पे बहुत अच्छी एक बहस जो है जो फैसला आएगा वो एक नया राह जो है वो उसका तय्यून करेगा, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा फैसला आएगा और मुल्क और कौम के मफाद में फैसला आएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और इस कोरोना की वबा से पूरी इंसानियत को बचाए।